إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت हाज़रीन जुमा तमाम किस्म की तारीफ किबरियाई बड़ाई हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहु बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। हाजिरीन जुमा, हम 2023 में कदम रख चुके हैं। इससे पहले सालों का अगर हम मुआयना करें, पीछे नज़र दौड़ाएं, पिछले सालों में हमारे कुछ साथी जो थे हमारे साथ थे, जो हमारे साथ मस्जिद में रहते थे, नमाज में साथ रहते थे, जिनके साथ हमारा उठना था बैठना था, लेकिन आज वो हमारे दरमियान रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की मगफिरत फरमाए। अल मुहिम, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। हाज़रीन जुमा, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं है। ये ज़िंदगी का वो मोड़ है जिससे हर किसी को गुज़रना है, मगर कोई इंसान ये नहीं जानता वो कब कहाँ किस हालत में किस मोड़ पर इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, किस मोड़ पर मौत उससे मुलाकात करेगी। इसी हकीकत को वाज़े करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, कोई भी नहीं जानता कि उसकी मौत कौन सी सरजमीन पर आएगी। तरम हाज़रीन, खुशनसीब हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी मौत इस हालत में आई कि वो नमाज में, जिक्र अस्कार में, कुरान मजीद की तिलावत में या फिर कोई और नेकी के काम में मसरूफ़ हों।
इसके बरक्स, इसके बरखिलाफ बहुत ही ज़्यादा बदबخت हैं वो लोग, बदनसीब हैं वो लोग जिनकी मौत ऐसी हालत में आई जो कुफ्र में, शिर्क में, बिदअत का इत्तिकाब करते हुए या फिर गुनाह और मासियत करते हुए उनको मौत आई। मुहतरम हाज़रीन, इंसान चाहे जितना भी ज़्यादा नेकोकार क्यों ना हो, जितना ही ज़्यादा इबादत गुजार क्यों ना हो, किसी के भी ताल्लुक से ये बात हरगिज नहीं कही जा सकती कि उसकी मौत ईमान पर आएगी, उसकी मौत ईमान पर वाक़ होगी। चुनांचे सहीहैन की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहदकुम ला यअमलु बिअमल अहलिल जन्ना हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िरा फयस्बिक अलैहिल किताब फयअमलु बिअमल अहलिन नार फयदखुलुहा व इन्ना अहदकुम ला यअमलु बिअमल अहलिन नार हत्ता मा यकूनु बैनहा व बैनहु इल्ला बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िरा फयस्बिक अलैहिल किताब फयअमलु बिअमल अहलिल जन्ना फयदखुलुहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी का ख्याल रखता रहता है, जिंदगी भर नेक अमल करता रहता है, गुनाहों से बचा रहता है, यहाँ तक कि जन्नत उसके बिल्कुल करीब कर दी जाती है, इतनी करीब हो जाती है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रहता है कि तकदीर उस पर गालिब आती है। कोई गुनाह का काम कर बैठता है, कोई खता कर बैठता है, कोई मासियत कर बैठता है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर बैठता है, जिसके वजह से जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह कोई एक शख्स जिंदगी भर गुनाहों में गुजारता है, खताओं में गुजारता है, बदकारियों में गुजारता है, मगर जन्नत जब जहन्नम उसके जब करीब हो जाती है तो तकदीर उस पर गालिब आती है, तो कोई ऐसा नेक काम कर देता है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाता है और जन्नत उसका मुकद्दर बन जाती है। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों को ईमान की दौलत नसीब हुई, यकीनन वो लोग बड़े सआदतमंद लोग हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ, उसके बावजूद भी उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, उनकी मौत इस्लाम पर नहीं आई। चुनांचे उम्मे हबीबा रदी अल्लाहु अन्हा के पहले शोहर उबैदुल्ला बिन जहश, वो शुरू ही में इस्लाम कबूल किए थे, इब्तदाई इस्लाम में ही उन्हें हक को कबूल करने की सआदत हासिल हुई थी, मक्का वालों के जुल्म व सितम को सह न सके, फिर उसके बाद जब उनसे बर्दाश्त ना हो सका तो हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हबशा की तरफ हिजरत कर गए हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाहु अन्हा को लेकर, वहाँ जाकर उन्होंने ईसाई मजहब कबूल कर लिया, वो इस्लाम पर कायम ना रह सके, और ईसाई मजहब कबूल करने के बाद उसी इब्तिदाद की हालत में उनकी वफात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान कबूल किया, इस्लाम लाए, मगर ईमान की हालत में उनको मौत नसीब नहीं हुई। मुहतरम हाज़रीन, इसी तरह गज़वे खैबर के ताल्लुक से कि कुफ्फार ने गज़वे खैबर में बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, सहाबा इकराम रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन एक एक सहाबी का नाम लेते कहते फला शहीद है, फला शहीद है, कि एक सहाबी आदमी का नाम आता है कहते हैं फला शहीद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कल्ला इन्नी रअयतुहु फिन्नार फी बुर्दतिन गल्लहा, हरगिज नहीं, उस शख्स को मैंने जहन्नम में देखा है, एक चादर जो उसने माले गनीमत से उड़ा ली थी, चुरा ली थी, उसके इवज उसको उन्होंने जहन्नम में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो जो कुछ नाम निहाद मुसलमान थे वो अपने एड़ियों के बल इस्लाम से फिर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जब मनसब खिलाफत पर आए, उन्होंने सबसे पहले उन्हीं लोगों से जंग की जो मुर्तद हो गए थे, और जो लोग मारे गए उसमें वो कुफ्र की हालत में मारे गए, हालांकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाया था, लेकिन उनकी मौत ईमान की हालत पर नहीं हुई। इसी तरह सैदुल खातिर में जिक्र है कि एक शख्स बड़ा ही ज़्यादा परहेजगार था, नेक था, मुत्तकी था, जब उसके मौत का वक्त करीब आया तो मौत में जो परेशानी लाई होती उसको वो बर्दाश्त ना कर सका, उसने कहा रब्बी हुआ दा यज़्लिमुनी,
मेरा रब मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जुल्म नहीं करता। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर दिया है। वो शख्स कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। बहरे कैफ बताना यह था कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा देखने में परहेजगार लगता है, इबादत गुजार लगता है, लेकिन उसकी कोई जमानत नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी मौत ईमान की हालत में आएगी। इसी तरह अगर कोई गुनहगार है, हो सकता है उसकी हालत ईमान की हालत में, मौत ईमान की हालत में आ जाए। ऐसे भी कुछ खुशनसीब लोग हैं जो जिंदगी भर गुनाह करते रहे, गुनाहों में मुलविस रहे, जब उनको मौत आई तो ईमान की हालत में मौत आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए, आमीन। मोहतरम हाज़रीन, हदीस नबवी में एक लड़का बीमार हो गया जो कि यहूदी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बीमार बुरसी की, उसको देखा, अब उससे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, उसको इस्लाम की दावत दी। वो लड़का सवालिया नज़रों से अपने बाप की तरफ देखने लगा। उसके बाप ने कहा अति अबुल कासिम, ए लड़के अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो, वो जो कह रहे उसका इकरार कर लो। चुनांचे उस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ये कहते हुए रवाना हुए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्क़ज़हु बी मिनन नार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे जरिए उस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। तरम हाज़रीन, इसी तरह के एक वाक़िया है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था बनी इसराइल का जिसने 99 कत्ल किए थे, 99 मर्डर किए थे, मगर उसको अपने इस जुर्म पर पशेमानी होने लगी, अफसोस होने लगा, शर्मिंदगी होने लगी। वो चाहता था किसी तरह सुधर जाऊं, तो लोगों ने उसको एक आबिद के बताया कि वहां जाओ, वहां से तुम्हारी मुश्किल आसान होगी। वो शख्स वहां जाता है, उससे कहता है, अपने हाल पूरी सुनाता है, तो वो आबिद कहता है तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, इस जुर्म का कोई माफी नहीं है, बल्कि तुम इस जुर्म का तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। तो उस मायूस कुन जवाब को सुनकर वो जो आदमी रहता है उसको भी मार देता है, अपना शतक पूरा कर लेता है। फिर उसके बाद भी उसे उसके दिल में नदामत थी, शर्मिंदगी थी, और सदाकत की जो उस चाहता था कि किसी तरह सुधर जाऊँ, उसके दिल में ये जो चिंगारी थी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। तो एक शख्स उससे कहता है फला आबिद के पास जाओ, वो तुम्हारी सही रहनुमाई करेगा। जब वो शख्स वह आबिद के पास जाता है और कहता है अपनी जो हाल होती है वो पूरी कहता है, मैंने इतना खून किया है, इतने लोगों को कत्ल किया है, इससे रास्ता, इससे बचने की कोई सबील, इस गुनाह से माफ़ी का कोई रास्ता, तो वो कहता है क्यों नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी चाहोगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। चुनांचे तुम जिस बस्ती में रहते हो उस बस्ती को छोड़ दो, और एक और बस्ती है जहाँ नेक लोग रहते हैं, अच्छी सोहबत वाले लोग रहते हैं, उनके सोहबत में चले जाओ, तुम भी सुधर जाओगे। तो चुनांचे आबिद की बात सुनकर वो अपना रास्ता तय कर लेता है, नेकोकारों की बस्ती में जाने लगता है। अभी रास्ते ही में होता है के मौत के फरिश्ते आ जाते हैं उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए। चुनांचे उसका इरादा नेकी का था, अपने गुनाहों से माफ़ी का था, तो उसको फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है जो नेक लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं वो फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। उसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी, मगर जब मौत आई तो ईमान की हालत में मौत आई। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं के एक सहाबी थे अम्र बिन उकैश रदी अल्लाहु अन्हु, वो बहुत पहले ही जान चुके थे, हक की आवाज़ से बहुत पहले आशना हो चुके थे, उनको मालूम था इस्लाम हक है, मगर उनका जो कारोबार था सूदी कारोबार था उसके फंदे में फंसे हुए थे। माल की दौलत इस्लाम की कबूलियत में आड़े आ रही थी, मगर जंग उहद के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया और मुशर्रफ बाय इस्लाम हुए और जंग उहद में लड़ने के लिए कूद पड़े, और इस जवां मर्दी के साथ लड़े कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। उसी जख्म की हालत में उनका इंतकाल हो गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं फमाता फदखल अल जन्ना फला सल्ला लिल्लाहि सलातन,
उनका इंतकाल हो गया और शहीद हो गया और जन्नत में दाखिल हो गए और इनको इतनी मोहलत भी ना मिली कि एक वक्त की नमाज पढ़ पाते। उनकी ज़िंदगी सूदी कारोबार में गुजरी मगर जब मौत आई तो ईमान की हालत में मौत आई। मोहतरम हाज़रीन, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को हमेशा उसने खातिमा पर गौर व फिक्र करने की और उसे चाहने की पर जोर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, जिस तरह जिस उससे डरने का हक है, जिस तरह उससे डरना चाहिए उस तरह डरो। वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और मरते दम तक मुसलमान ही रहना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं। नसीहत तो बार बार की जाती है, वसीयत ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में की जाती है। वसीयत करते हैं, वसा बिहा इब्राहिम बनी व याकूब, या बनिया इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, इस दीन को पसंद कर लिया है। फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार रहो जब तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई आजमाइशों से गुजारने के बाद नबूवत और सल्तनत और बादशाहत अता की गई। जब आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों का शुक्र अदा करते हुए करते हैं, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तअवील अहादीथ फातिरस समावाति वल अर्ض अंत वलीय फिद दुनिया वल आखिरा توفني مسلما والحقني بالصالحين। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने मुझे बादशाहत अता की, मुलुकियत अता की, मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखलाया। फातिर السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره, ऐ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले, तू ही मेरा वली है, दुनिया में भी आखिरत में भी तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया और आखिरत में भी। توفني مسلما, नबी कह रहे हैं जब तू मुझे वफात दे तो इस्लाम की हालत में वफात दे। तवफ्फनी मुस्लिमा व अल्हिक्नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकोकारों में शामिल कर रहे हैं। नबी ये दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की एक दुआ को कुरान में कल किया है, रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन की दुआ में कहा है, मोमिनीन कहते हैं, रब्बना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने सुना, इन्ना समिअना मुनादी, तेरे एक मुनादी करने वाला, निदा लगाने वाला, आवाज़ लगाने वाला ने ये निदा लगाई कि अपने रब पर ईमान लाओ। फ़आमन्ना, हम ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे खिताओं को दरगुजर फरमा दे, और तवफ़्फ़ना मअल अबरार, जब हमें मौत आए तो हमें मौत नेकोकारों के साथ दे। जिस तरह नेक लोगों को मौत आती है उस तरह हमको मौत आए। मोहतरम हाज़रीन, हम जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें भी हमें एक दुआ यह सिखलाई गई, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जिसको तू जिंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रख। वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान, जब उसको मौत दे, जिसको जो मौत देना चाहे तो ईमान की हालत में मौत दे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ दिलों को साबित रखने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस बात का अंदेशा है, आपको किस बात का खदशा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम नहीं जानती कि बंदों के दिल रहमान के दो उंगलियों के बीच में होते हैं, युकल्लिबुहा कैफा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका दिल जैसे चाहे वैसे पलटता रहता है। तरम आदरित, इसीलिए हमेशा उसने खातिमा की फिक्र करनी चाहिए, अच्छी मौत की फिक्र करनी चाहिए। अगर अच्छी मौत की मिसालें देखने जाए तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी में, ताबईन की ज़िंदगी में, असलाफ़ इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी कैसे ख़त्म हुई, उनके हुस्न खातिमा के लिए देखें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु
नमाज की हालत में उनको शहीद किया गया। नमाज के लिए, फज्र की नमाज के लिए आगे बढ़े, अबू लुलू फेरोज नामी यहूदी उसने आप पर हमला कर दिया। आपके इंतकाल का सबब वही हमला बना। हज़रत उस्मान बिन अफ्फान रदियल्लाहु अन्हु, आप रदियल्लाहु अन्हु को 22 दिनों घर में महसूर कर दिया, खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया, फिर भी कलेजे में ठंडक ना पहुंची तो सदर दरवाजे को आग लगा कर अंदर गए और आप रदियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। जब आप रदियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, उस वक्त आप रदियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। अगर हम ताबईन की जिंदगी में देखें, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु के पोते आबिर बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, वो हर फजर की नमाज के बाद ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मैततल हसना, के अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अच्छी मौत दे, मैं तुझसे अच्छी मौत का सवाल करता हूँ, बेहतरीन मौत का सवाल करता हूँ। उनके बेटे उससे उनसे पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं, ए अब्बू जान अच्छी मौत से आपकी क्या मुराद है, तो अपने बेटे से कहते हैं, अय्यतवफ्फानी रब्बी व अना साजिदुन, कि मेरा रब जब मुझे वफात दे उस वक्त मैं हालत सजदे में रहूं। उनकी ये मुराद इस तरह पूरी हुई कि वो मगरिब की नमाज में थे, हालत सजदा में थे कि उनकी रूह परवान कर गई, परवाज कर गई और उनका वफात हो गई। धर्म हाजरीन, अगर हम असलाफ की जिंदगी में देखें, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलिकिन मुक्तदिर, इस आयत पर पहुंचे उनकी रूह कब्ज़ हो गई। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले जन्नतों में होंगे, नहरों में होंगे। शर्म हाज़रीन, इसीलिए हमेशा फिक्र करनी चाहिए। हुस्ने खातिमा की एक अलामत यह है, एक अहम अलामत यह है कि मौत के वक्त इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह की तौफीक होना, तो हुस्ने खातिमा की अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरीज को जो मरजुल मौत में मुब्तला है, चाहिए कि तुम उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तलकीन का क्या तरीका है? उलमाए इकराम ने दो तरीके बतलाए। एक तरीका ये कि देखा जाए कि मरीज की हालत कैसी है। अगर मरीज की हालत में इत्मीनान है, ज़्यादा परेशान नहीं है, ज़्यादा मुस्तरिब नहीं है, तो उससे कहा जाएगा कि ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ो। इसके बरक्स अगर मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा डगरडू है, मौत की कैफियत से बहुत ज़्यादा परेशान है, उस वक्त उससे ये नहीं कहा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो वो इतना परेशान पहले से ही तुम्हारी बात को इनकार कर दे, कहते मैं नहीं पढ़ता। ऐसी हालत में ये करना चाहिए, जो वहाँ पर अतराफ अतनाफ लोग बैठे हैं उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जब मरीज अपनी हालत में थोड़ा सुधार महसूस करे, तो तकलीफ महसूस करे, तो लोगों को सुनकर खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। बहरे कैफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वाले मरीज को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अच्छी मौत हर किसी के नसीब में नहीं होती, वो उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोमिन बंदे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को पक्की बात पर मजबूत रखता है, साबित कदम रखता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और जो ज़ालिम होते हैं, जो नाइंसाफ होते हैं, उनको गुमराह कर देता है। यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहे कर गुजरता है। और अच्छी मौत उसको भी नसीब होती है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम करे। चुनांचे हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी बंदे के साथ खैर का इरादा रखता है, तो उसे मरने से पहले नेक अमल की तौफीक देता है। युवफ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत थुम्मा यक़बिज़ुहु अलैह, मरने से पहले नेक अमल की तौफीक देता है और उसी में उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ुसूसी इनाम होता है तो अच्छी मौत नसीब होती है। कभी कदार ऐसा भी होता है, लोगों को तलकीन की जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मगर लोग पढ़ नहीं पाते। चुनांचे अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अत-तज़किरा में लिखा है, एक ताजिर का वाक़िया लिखा है। जब उसके मौत का वक्त करीब आया,
तो उससे उसको लोगों ने तलकीन की कि ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ो, मगर उसके ज़ुबान से ला इलाह इल्लल्लाह अदा ना हुआ, बस के उसके ज़ुबान पर उनके उसके दुकान का हिसाब किताब रटा हुआ था, वो अपने दुकान का हिसाब किताब कर रहा था मौत के वक्त। अलियाज़ु बिल्लाह। क़िसस सुआदा व अशकिया में के मुअल्लिफ़ ने लिखा है कि सऊदी अरब के शहर रियाद में 3 लोगों का सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग थे, 2 लोग उसी वक्त इंतकाल कर गए, उसमें से एक शख्स था जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी। सड़क से चलता हुआ एक शख्स ने देखा कि उसकी आंखें आखिरी सांसें चल रही हैं, उसने उससे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की, मगर वो शख्स अपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सका, बल्कि वो ये कहने लगा अनफी सकर अनफी सकर, मैं जहन्नम में हूँ मैं जहन्नम में हूँ। अलियाज़ु बिल्लाह। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा बुरी मौत से बचने की और उसने खातिमा पर अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए बुरी मौत से बचने के लिए कहा है। मोहतरम हाज़रीन, सफ़र क्या है कुरान में देखिए, जहन्नमी जन्नती है ना, जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सफ़र, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई, तो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। मोहतरम हाज़रीन, इंसान इस दुनिया में जैसे मरता है क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा, जिस तरह इस दुनिया में मरेगा उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युबअथु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैह, जो जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। कोई अच्छा काम करते हुए मरेगा तो उसको अच्छी हालत में उठाया जाएगा, कोई बुरा काम करते हुए मरेगा तो उसको बुरी हालत में उठाया जाएगा। चुनांचे एक आदमी सफर हज के वक्त इंतकाल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग्सिलु बिमाइन व सिदरिन, उसको पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दो, वकफ्फिनु फी तौबैही, उसको उसके जो अहराम के कपड़े हैं उन्हीं 2 कपड़ों में कफनाओ, उसके बाद उसके सर और उसका मुंह खुला हुआ रखो, इसलिए कि फइन्नहु युबअथु यौमल क़ियामति मुलबियन, कि क़यामत के दिन ये तलबिया कहते हुए वापस उठेगा, वो तलबिया कहता रहेगा उसी हालत में उठेगा। तो मालूम ये हुआ जो काम आदमी जो करता है उसी हालत में वो उठाया जाएगा, जिस हालत में वो मरा है उसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उठाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, फिल्म ख़त्म नहीं होती लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाश आती है। ऐसे भी वाकयात सुने हैं कि हाथ में रिमोट है, टीवी का चैनल चेंज करना चाहते हैं लेकिन हाथ से रिमोट रखने तक की तौफीक नहीं होती, इस दारे पानी से कोच कर जाते हैं। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुए खात्मा से बचाए, उसने खात्मा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं उनके लिए कर्ज़ से निकलने की सबील निकाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कोई भी इस दुनिया से जा चुके हैं तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, उनके करवट कबर जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रख इस्लाम पर ईमान पर जिंदा रख, जब मौत आए तो कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर आए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.